जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त ऐसे सबूत, जैसा कि आप चैनल देख रहे हैं ऐसा मुल्तानी, पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर आप जो है गाड़ी का जो है रिव्यू करते हैं। आपको याद होगा हमने पिछली गाड़ी का जो रिव्यू किया था वो टिगो जो है टिगो जो प्रो थी हमने 8 पे किया था, आज का जो हमारा रिव्यू है वो 4 पे, ठीक है। तो ये फोर सीटर है, वो 7 सीटर है, इसकी प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क है, ओ एंड पे आपको प्राइस बताएंगी। तो चलो फ्रंट इसकी ग्रिल दिखा दें और उसके बाद, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो 4 को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, 4 भी ज़्यादा लेते हैं, तो 4 का भी आपको रिव्यू चेक करवा देते हैं। उसके बाद इसका इंटीरियर आपको चेक करवा देते हैं, इसकी लुक आप सारी दिखा दें। इसमें आपको टाइल्स में जो है वो अलॉय रिंग जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आपको पता है चाइनीज़ कंपनी है, और इसमें जो फीचर्स का जो है, मैंने आपको पिछली जो गाड़ी थी उसको मैंने आपको स्टार्ट करके दिखाया था, उसके फीचर्स वगैरह एसी की थ्रो और जो सनरूफ के ऑप्शन थे वो सारे मैंने आपको चेक करवाए थे। तो आज हम इस पर ही आपको दिखाएंगे थोड़ा सा इंटीरियर, ठीक है। और ज्यादा आपका रिकमेंड करूँगा कि आप 7 सीटर लेना चाहते हैं, 7 सीटर आपको पता है 1.5-6 लाख से ऊपर या इस तक की, तो ये जो है तकरीबन आपको 67-68 लाख में जो है ये पड़ेगी आपको, बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर साथ चलती रहती हैं। तो चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका बैक दिखा दें, बैक वाली साइड थोड़ी सी गाड़ी उससे थोड़ी सी छोटी है, बिल्कुल जो 7 सीटर है उससे बिल्कुल थोड़ी सी छोटी है। तो ये गाड़ी का जो है बैक है, ठीक है, बिल्कुल अभी गाड़ी जेन्युइन है इसकी, मतलब कि अभी आपके सामने बिल्कुल कोई चीज़ भी उसके निशान वगैरह आपको कोई चीज़ों के नंबर वगैरह आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो चेरी वालों का अपना है, उसके बाद जो सेंसर वाला जो ऑप्शन है इसका, ठीक है, सेंसर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो कैमरा है बैक वो भी मिल जाएगा, और ये इनका एड्रेस है, अगर जिस भाई ने लेनी है इस एड्रेस में आके मुल्तान में जो है जी आपको मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं इंटीरियर आपको जो 7 सीटर का है वो थोड़ा सा अलग मिलेगा, ठीक है, वो आपने वीडियो में देखा होगा थोड़ा सा अलग था, उसमें कम्बिनेशन जो इसकी जो इसका लेदर का जो कम्बिनेशन था वो, और मज़े की बात बताऊँ ये वाला जो है उससे भी ज़्यादा मज़े का, ठीक है ना, जब रेड और इसमें ब्लैक का कम्बिनेशन जो होता है ना वो बड़ा मज़ेदार हो जाता है। बाकी इसके ऑप्शन वगैरह वही हैं, ठीक है ना, चारों कंट्रोल डोर्स के और मिरर के, और उसके बाद जो है इंटीरियर जो है वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन एक चीज़ इसकी सेम नहीं है वो है ये वाली चीज़, ठीक है, उसकी बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो अलहदा थी, इसकी जो है वो थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ों के ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है स्पेस मिल जाएगी, आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद LCD इसमें एक उसमें दो थी, इसमें एक ही है, लेकिन आपको जो AC के जो जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे जो हैं वो आपको मीन्स के आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। सनरूफ वगैरह बिल्कुल सेम इसका है, वो गाड़ी बड़ी थी उसके तकरीबन टोटल जो था वो सनरूफ था, इसका जो है वो थोड़ा सा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सनरूफ है, मतलब जितनी गाड़ी में जिस गाड़ी में जितना 4 सीटर में जो है वो होता है। बाकी आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं, ठीक है, नहीं हो रही गाड़ी, मतलब कि अभी वो इसकी जो की है ना, क्योंकि की जो है वो जब तक अंदर नहीं होती, जब तक की पास ना हो अंदर ना हो गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती। तो ये थे आज के थोड़े से इसके फीचर्स, आपको बैक स्पेस भी दिखा देते, क्योंकि मैं कम वीडियो इसलिए कम बनाई है, मैं ऑलरेडी इस पर जो है डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन तब इसकी प्राइसेस भी कम थी और इतने मैंने डिटेल से फीचर्स भी नहीं बताए हुए थे। तो इसकी बैक पर बात कर लेते हैं, तो बैक पे आप देख लें आपको ये वाले फीचर्स मिल जाएंगे। उसके बाद AC का ऑप्शन जो है वो बैक पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसका आप यहाँ पे इसका जो है इंटीरियर जो है फ्रंट पे आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लुक जो है दे रहा है, मतलब कोई प्राडो की फील से कम जो है इसमें फील नहीं आती। तो ये था आज का हमारा छोटा सा रिव्यू, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो बताए रखें मुझे कौन सी गाड़ियों के रिव्यूज़ वगैरह मैं करता रहा करूँ, तो इंशाल्लाह वही आपको रिव्यूज़ जो हैं मिलते रहा करेंगे।